हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का शिव ओम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। अगर आपको अपने क्लास का कंप्लीट स्टडी मटेरियल जैसे नोट्स, वीडियोस, मॉडल पेपर, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमसीक्यू टेस्ट, ये सब कुछ चाहिए और वो भी बिल्कुल फ्री के अंदर, तो अभी प्ले स्टोर पर जाइए और शिव ओम क्लासेस नाम से हमारी जो एप्लीकेशन है, जो ऐप है, वो आप डाउनलोड कर लीजिए। या फिर आप हमारे ये व्हाट्सअप नंबर है ये अपने मोबाइल के अंदर सेव कर सकते हैं और हमारे को व्हाट्सअप पर मैसेज कर सकते हैं। आप अपनी क्लास बताएंगे तो हम आपकी क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको भेज देंगे, वो भी बिल्कुल फ्री के अंदर। अब हम जो मुहावरे पढ़ रहे थे तो अगला मुहावरा देखते हैं। अगला मुहावरा है तिल का ताड़ बनाना। अगला मुहावरा क्या है? तिल का ताड़ बनाना। तो तिल का ताड़ बनाना मुहावरे का एक तो देखेंगे अर्थ और एक देखेंगे इसका वाक्य के अंदर प्रयोग हम किस प्रकार से कर सकते हैं वो। तो सबसे पहले तिल का ताड़ बनाना मुहावरे का अर्थ देखते हैं। तिल का ताड़ बनाना मुहावरे का अर्थ होता है थोड़ी बात को बहुत बढ़ाकर कहना या फिर बताना। थोड़ी बात को या छोटी सी बात को बहुत ज्यादा बढ़ाकर बताना या कहना जो होता है वो होता है तिल का ताड़ बनाना। थोड़ी सी बात को बहुत बढ़ाकर कहना या छोटी सी बात को बहुत बढ़ाकर बताना। अब सर ये तो हो गया तिल का ताड़ बनाना मुहावरे का अर्थ। अब इसका वाक्य के अंदर प्रयोग कैसे कर सकते हैं वो बताइए। देखिए वाक्य के अंदर प्रयोग, जैसे मान लो कि एक मैच है, क्रिकेट मैच हो रहा है, उसके अंदर किसी खिलाड़ी ने 10 रन बनाए लेकिन उसका जो दोस्त है वो किसी तीसरे आदमी को उसकी तारीफ इस प्रकार से कर रहा है जैसे उसने बहुत बड़ा कार्य किया हो। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, कल के मैच में तुम्हारे मित्र ने केवल 10 रन बनाए हैं, 10 रन बनाए हैं, तुम उसे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बताकर तिल का ताड़ बना रहे हो। तो यहां पे देखिए मुहावरा आ गया, तिल का ताड़ बना रहे हो। इसका मतलब क्या है? छोटी सी बात को बहुत बढ़ाकर बता रहे हो। तो तिल का ताड़ बनाना मुहावरे का अर्थ क्या हो गया? थोड़ी सी बात को बहुत बढ़ाकर बताना या छोटी सी बात को बहुत बढ़ाकर कहना। और इसका वाक्य के अंदर प्रयोग कैसे कैसे कर सकते हैं? कल के मैच में तुम्हारे मित्र ने केवल 10 रन बनाए हैं, तुम उसे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बताकर तिल का ताड़ बना रहे हो। इस प्रकार से हम इसका वाक्य के अंदर प्रयोग कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए शिव ओम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के।